से कौवा ने कुछ कर दिया क्या? काफी अच्छा लग रहा है बट आई समटाइम्स यू नो इट गिव्स अप। मैं रो रही। Hi friends, happy Mother's Day to all of you and आप सबका Mother's Day किस तरीके से बीत रहा है, what you all are doing, बाहर गए क्या खाने को, आप सबको आपके बच्चों ने क्या gift दिया, you know gift ऐसा बहुत बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि gift should be very big, मुझे लगता है छोटा कुछ दे दे, कुछ लिख के दे दे, बस वही हो गया हम लोगों के लिए। तो now the time is अभी good morning मैंने बोला या क्या, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो good afternoon क्योंकि एक बजने वाला है, नहीं एक बज गया, सिद अभी सोया है। एंड हम लोग मदर्स डे पे क्या कर रहे थे, चौमिक मुझे बोल रहे थे अब पायल सुबह से खाना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है एंड ऑल दैट, पर मैं जैसे बोलती हूँ ना, हम लोग के यहाँ पे एक दो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, वहाँ का लाइक खाना खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना कुछ अच्छा भी नहीं है, लाइक देयर इज़ नो वेराइटी। एंड जो अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट है ना, टू गो टू ऑल दैट रेस्टोरेंट, हम लोगों को वो एक ब्रिज होता है ना जो मैं हर वक्त दिखाती हूँ, व्हेन आई गो टू न्यू जर्सी वी हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज। एंड आज लाइक कल आते वक्त ना ऐसा एक घंटा लगता है, कल इट टुक अस मोर देन 1.5 आवर। लाइक समर टाइम में ना अभी ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, एंड मदर डे का तो क्राउड कुछ अलग ही है। तो जो भी हो अभी मैं खाना बनाऊंगी, खाना मैं फर्स्ट मैं सिद के लिए बना रही हूँ। तो ये सिद का खाना है, दिस इज स्वीट पोटैटो कैरेट। फिर सिद को ना एक्चुअली स्पिनच बहुत पसंद है, एंड नीचे में है दाल चावल लाइक खिचड़ी, एंड है मैंने टमाटर भी दिया। ये सिद को मैं हल्दी वल्दी दे सकती हूँ कि आप लोग बताना ना, लाइक लिटिल बिट ऑफ मसाला यू नो जो हम लोग का होता है इंडियन मसाला, जीरा एंड ऑल लाइक नॉट रेड चिली पाउडर। देन यू नो सब मिला के थोड़ा खिचड़ी टाइप बना के दूंगी। एंड फिर मैं बनाऊंगी थोड़ा मैं मटन करी बनाऊंगी क्योंकि राय को बहुत पसंद है। एंड फिर आई गॉट वन फिश जिसको हम लोग चीतोल माछ बोलते हैं, वो बहुत ही छोटा आई गॉट, वो फिश ना बहुत बड़ा बहुत अच्छा लगता है। एंड पर्सनली मुझे फिश बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो क्योंकि मुझे लगता है ना फिश में यू कैन मेक ए लॉट ऑफ वेराइटी, तो मैं वो थोड़ा चौमिक के लिए बनाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा। एंड जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग बताना ना कि इंडिया में भी मदर्स डे पे क्या इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है। लाइक अगर अभी हम लोग कोई रेस्टोरेंट में खाना हो ना, स्पेशली मदर्स डे, पहले से ही बुक करना पड़ता है, नहीं तो कहीं पे भी लाइक जगह नहीं मिलता, इतना सारा रश रहता है। तो अभी फर्स्ट मैं गोट को मैरिनेट कर रही हूँ विथ सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत सारा दही एंड ब्लैक पेपर पाउडर। एंड आप सोच सकते हैं ये ग्रीन कलर का जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसा हो गया, तो मैंने ना थोड़ा ग्रीन चिली भी ऐड किया था। तो चलिए मैरिनेट करके एक घंटा रख दूंगी मैं। तो ये फिश को बोलते हैं चीतोल माछ, एंड एक्चुअली ना ये फिश बहुत छोटा है जो हम लोगों ने खरीदा है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा खरीदना चाहिए तभी इसका टेस्ट होता है, पर ये सब फिश यहाँ पे मिलता ही नहीं है आई थिंक सो, बहुत सालों के बाद हम लोगों को मिला। एंड आफ्टर एजेस मैं शौमिक को ये फिश खिला रही हूँ। तो ये फिश ना मैं बनाऊंगी विथ सम दिस इज चार मगज, अगर आपके पास चार मगज नहीं है देन यू कैन गिव पम्पकिन सीड्स ऑल्सो। फिर मैंने थोड़ा अनियन लिया है, थोड़ा टमाटर एंड ग्रीन चिली एंड जिंजर। एंड शौमिक बोल रहे थे पायल ये मदर्स डे कहा, ये तो फादर्स डे हो गया क्योंकि तुम मेरा फेवरेट फिश बना रही हो। मैंने बोला नहीं यार, सभी डे मदर्स डे फादर्स डे है। तो ये आप कोई भी दूसरा फिश से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो फिश को ना जब भी व्हेन वी मेक ग्रेवी ना हम लोग ज़्यादा फ्राई नहीं करते, तो ऑयल पे मैंने कुछ भी कुछ भी तड़का एंड ऑल नहीं दिया है, जो मैंने पेस्ट बनाया था आई हैव एडेड द पेस्ट। एंड जब मैंने ये पेस्ट बनाया था ना बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया था, तो अच्छी तरीके से हम लोग भूनेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल निकल चुका है, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड अराउंड 2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। फिर अच्छी तरीके से भूनेंगे, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा पानी एंड फिर ना मैं थोड़ा कवर करके रख दूंगी जब तक वो पानी ना टकबक करने ना लगे, एंड सॉल्ट फॉर श्योर। एंड जैसे मैं बोल रही थी ये जो रेसिपी है आप कोई भी फिश से बना सकते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं यू कैन मेक विथ सैमन, पर जब भी आप सैमन से बनाएं ना फ्लेम को हर वक्त लो रखिएगा। तो अभी अनदर 5 मिनट्स में इसको कवर करके रख दूंगी, बस हो जाएगा। मैं आज खाना बना रही हूँ, ओ माई गॉड ये अनियन बहुत डेंजरस है, ओ गॉड। एंड और एक कारण है क्योंकि मेनी ऑफ यू नो राइट कल सना नहीं आती है, तो यू नो थोड़ा खाना बनाया हुआ रहता है तो ईजी होता है,
एंड एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे ना AMC पे वो मूवी आया है द केरला स्टोरी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दैट मूवी? सिंस वो मूवी बहुत अच्छा हुआ है. तो शौमिक मुझे बोल रहे थे तुम और राय, ओह गॉड सॉरी यार, मैं रो रही हूँ. ओह माय गॉड, द ऑनियंस बहुत डेंजरस है. यहाँ के ऑनियंस में से कभी भी आंसू नहीं आते. आज का टाइटल, मदर्स डे पे मुझे रुला दिया. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यार, यहाँ पे कभी भी मुझे अनियंस पे ना ऐसा आंसू नहीं आता था. वेट, शायद मैं चश्मा पहन लेती हूँ. एंड एट द एंड आई विल गार्निश विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड फिश करी इज रेडी. तो आज मैं प्रेशर कुकर पे आई विल मेक द गोट में बना लूंगी, तो जल्दी हो जाएगा. एंड कल हम लोग वो इंडियन ज्वेलरी शॉप पे गए थे ना, एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा है. जब सीत का अन्नपोषण हुआ था ना, तब सीत के लिए भी मैंने वहाँ से ही खरीदा था. तो वहाँ पे ना जब सीत का अन्नपोषण के टाइम पे गए थे ना, तब मैंने ना एक सेट देखा था. एक्चुअली दैट सेट वॉज रियली ब्यूटीफुल, मुझे वो बहुत पसंद आया. तो कल भी जब मैं गई ना, कल भी मैंने वो सेट, सेम सेट अभी तक था. तो शौमिक मुझे कल बोल रहे थे तुम ले लो, यू नो आई विल टेक इट फॉर मदर्स डे. मैंने बोला नहीं यार, अभी मुझे नहीं चाहिए. अभी किसी का होता है ना, आप लोग बहुत ही कम भी देखेंगे. ट्रस्ट मी, मैं कुछ खरीदती भी हूँ. पहले आई एम श्योर मेनी ऑफ यू रिमेंबर मैं कितना शॉपिंग करती थी. आई टू गो आउट, स्पेशली मुझे लिपस्टिक सनग्लास खरीदना कितना पसंद था. अभी इट्स बीन एजेस, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा. तो मटन को मैं फुल आज प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ. एंड यू वन बिलीव, ये प्याज इतना अच्छा था ना, क्योंकि यहाँ का प्याज ना थोड़ा वियर्ड होता है. आप जितना भी फ्राई करें ना, इतना जल्दी ना नहीं गलता है. तो मैंने मटन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया, लाइक फॉर हाफ एन आवर, यू नो, सब सारे मसाले एक साथ मिलके मैं फ्राई कर ही रही थी. एंड मैं अभी दे रही हूँ मेरा स्पेशल गरम मसाला पाउडर. ये गरम मसाला भी आप सबको बहुत पसंद आया. एंड उसके बाद मैंने ना थोड़ा कसूरी मेथी दे दिया है. तो भी पानी दे के बस 2-3 सीटी एंड मटन विल बी डन. सो मदर्स डे का खाना बन चुका है एंड नाउ इट इज 3 o'clock. एक्चुअली आज ना हम लोग, वेट वन सेकेंड, हम लोग ना, या अभी ठीक है, काफ़ी लेट हम लोग उठे. वी वोक अप एट अराउंड 10 o'clock. फिर ब्रेकफास्ट करते करते ना 11 o'clock हो गया. तो किसी को भी इतना ज़्यादा भूख नहीं है एंड धीरे धीरे खा लेंगे. और क्या है, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, खाना रहेगा तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज कल जैसे सनानी आती है. एंड मुझे वो मूवी इतना पसंद आया ना, दैट मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. क्योंकि उससे पहले जो हुआ था, यू नो, बच्चों को ले लिया था. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, क्योंकि तब न्यूज़ में बहुत दिखा रहा था. आई थिंक सो इट हैपेंड ड्यूरिंग 2009, ऐसा कुछ हुआ था. बट उसके बाद जो हुआ, यू नो, किसी को इतना पता नहीं था कि आफ्टर, जब वो लोग इंडिया को, लाइक बच्चे को इंडिया लेके आए, तब जो उसके बाद हुआ, वेरी, आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता है. एंड द मूवी ना इज रियली वेरी फास्ट. बहुत सारे आप देखेंगे ये सब जो रियल लाइफ स्टोरीज में मूवी बनते, काफी बोरिंग होते हैं, राइट? बट दिस मूवी वाज नॉट एट ऑल बोरिंग. लाइक वो लोग ने ऐसा फालतू गाना एंड ऑल इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया. एंड सो मेनी थिंग्स वर सो रिलेवेंट, यू नो, जैसे कि वो लोग ने लिखा घर गंदा है, तो शी वाज सेइंग, यू नो, बच्चा इट्स कैसे करके होगा, यू नो, यू वोंट बिलीव. लास्ट वीक ना, मैं बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ, राय जब स्कूल में गई ना, एक दिन भी आई वॉज नॉट एबल टू वेक अप ऑल्सो. मैं क्या करूँ, यू नो, सिद्ध रात को इतना ज़्यादा परेशान, लाइक रात को जग रहा था, देन ही वॉज स्लीपिंग समटाइम्स, यू नो, 2 घंटे बाद वो सो रहा था. नहीं होता, यू नो, ऐसे जो शिव सिंह, यू नो, कोई माँ बुरी नहीं होती, दिस इज ट्रू, यू नो, बट एट द एंड हम सबका भी तो बॉडी है ना, जो समटाइम्स, यू नो, इट गिव्स अप. एंड एक्चुअली ना तब आई थिंक सो निवेदिता मुझे बोल रही थी, मैं ना निवेदिता को बोल रही थी कि यू नो यहाँ पे अभी जब यू नो बच्चा होता है, वो लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको इतना पूछते, पहले इट सीम्स इतना ज़्यादा नहीं पूछते, लाइक इतना ज़्यादा दे यूज़ टू नॉट केयर दैट मच. अभी जैसे जब बच्चा भी होता है ना, इफ़ यू आर हैविंग बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तब भी वो लोग बहुत पूछते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है, यू डिप्रेस्ड और नॉट, तुम कुछ बुक्स पढ़ सकती हो. एंड आफ्टर, तो डिलीवरी के बाद तो लाइक वो लोग का वही मेन रहता है, लाइक इतना सारा ना, वेन एवर यू गो, आपको इतना सारा लाइक फिलअप करना पड़ता है. विच इज़ गुड, बिकॉज होता है यार, इट सडनली, यू नो, वी हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. एंड बाहर के देश में प्रॉब्लम तो होता ही है इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्प. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी लकी दिस टाइम. एंड देखा जाए तो, यू नो, मेरे बच्चे में अंतर है, मोस्ट ऑफ यू नो, राइट? इतना ज़्यादा गैप है. एंड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, जब सिद्ध हुआ, लाइक वी हैड द एबिलिटी ऑल्सो कि हम लोग किसी को रख भी पाए, नहीं तो अकेले अकेले करना ना, इट्स टफ, यू नो. इसीलिए सभी के पेरेंट्स लोग आते हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता है. एंड इसमें कुछ बुरा ही नहीं है, पर
बट आई डोंट नो, जो लोग ने देखा वेरी यू एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज बहुत कुछ उसने बंगाली में ही बोला एंड दे डिडंट गिव द सबटाइटल आल्सो. मुझे लगा था तब उसको लाइक वो लोग को सबटाइटल देना चाहिए था. एंड राय ने तो देखा ही नहीं. नहीं नहीं मम्मी ये बहुत सैड स्टोरी है, आई कॉन्ट वॉच दिस मूवी, आई कॉन्ट वॉच दिस मूवी. तो ये मूवी ना मैंने अकेले फुल अच्छी तरीके से देखा. तो राय कितनी सियानी हो गई, राय बाहर गई थी, एक्चुअली दही नहीं था, दही लाने साइकिल दही भी लाई एंड मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे ये डार्क चॉकलेट वाला चॉकलेट बहुत पसंद है एंड शी गॉट दही आल्सो. थैंक यू मामा. ओ खुद के लिए भी लाई, मम्मी के लिए भी लाई. चलो थैंक यू मामा. एंड सुबह से आज राय मुझे बहुत ही स्पेशल फील करा रही है एंड राय ने मुझे बहुत एक प्यारा मदर्स डे गिफ्ट दिया है. वो हम लोग खाना खा ले, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे राय ने सिद को खिला दिया लंच एंड अभी हम लोग खाएंगे. व्हाट शी डूइंग यू, व्हाट शी डूइंग यू. एंड मटन तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है बट आई होप सो. हाँ गला भी है. या द मटन इज परफेक्ट, या काफी अच्छा हुआ है. तो बस सबको खाने दे दिया एंड मैं भी खाऊंगी बिकॉज सिद को ना कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा एंटरटेन आपको करना ही पड़ता है. तो अभी टाइम इज 5:10 एंड किचन एंड ऑल सब मैंने क्लीन किया तो खत्म. सिर्फ मुझे मशीन चलाना है एंड हाँ मैं आप सबको दिखाती हूँ कि राय ने मुझे क्या गिफ्ट दिया मदर्स डे पे. वेट, तो राय ने मुझे अपने हाथों से ये बना के दिया. अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि एक बास्केट है एंड जिसमें फ्लावर्स है. तो अगर आप चाहे तो ऐसा रख सकते हैं बट देन इफ यू वांट सी You can take it out and ये क्या बन जाता है, coaster. तो see, it's so good. And जब आपका use करना खत्म हो जाए then again फिर हम लोगों को fold कर लेना है and again we have to keep it. तो आप लोग जरूर बताना आप सबको कैसा लगा. सी लाइक गिफ्ट तो बाहर से ऑल्सो शी कैन परचेज, ऐसा आप खरीद सकते हैं पर मुझे लगता है ना खुद का हाथ का बनाया हुआ का बात ही कुछ अलग है एंड बहुत खूबसूरत है. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली अ लवली वेदर. शाम में एक मत सो जाओ, चलो कहीं पे घूम के आते. ना बाबा ना बाबा ना बाबा, कैमरा है ना इसीलिए कैमरा है इसीलिए शीत ऐसा कर रहा है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देयर इज वन शॉप इसका नाम है किंग कोन. वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आइसक्रीम मिलते हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो मुझे तो आई डोंट नो, मुझे ना कभी भी ये सब आइसक्रीम पसंद नहीं है. मैं वो जो स्कूल के बाहर मिलता था ना वो पानी वाला आइसक्रीम वो ही मुझे अच्छा लगता है. तो जस्ट फॉर राय के लिए हाँ तो मैं और सिद कार में ही है ना बाबा. सिद को नींद आ गया एक्चुअली सोच. तो फाइनल डेस्टिनेशन इज हमारा पार्क एंड काफी अच्छा मौसम. एक्चुअली थोड़ा ठंडी लग रहा है, ऐसा हम लोग के घर में ना ज्यादा गर्मी लग रहा था. एंड लाइफ में सच्ची बात बताओ मैंने कभी भी नहीं सोचा था दैट आई विल बी ए पेट मॉम, बिकॉज राय को भी पता है कि ओ माय गॉड मम 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 सी कौवा ने कुछ कर दिया क्या, सी बट पूप पता नहीं पूप कर दिया क्या. रियली ओ माय गॉड जाना पूप कर दिया, बर्ड ने पूप कर दिया यार कहाँ पे किया. एंड आई फ्रेश बोल रही है, अच्छा गुड लक होता है क्या जाना है. जाना है देखो ना व्हाट डू यू डू जाना है बाय.
करके दो। यार कौन सा शोल्डर पे लकी है, तुम ही देख के बताओ। मुझे लगता है राइट शोल्डर पे है। कौन सा शोल्डर पे है? राइट पे। आप लोग बता ना, कुछ होता है क्या ऐसा, टट्टी कर देता है दो बर्ड। चलो कोई बात नहीं। तो मेरा ये मदर्स डे बहुत ही शांतिपूर्वक था, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हम सभी मम्मियों को, जो लोग इतना बिजी रहते हैं, वी वांट लिटिल बिट ऑफ पीस। एंड मैं जो बोलने वाली थी तब कि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था दैट आई विल बी ए पेट मॉम, एंड मुझे रेक्स से इतना सारा प्यार मिलेगा। यू नो द लव एंड द अफेक्शन रेक्स जो देता है, दैट इज अनकंडीशनल। तो आज सोमवार हो गया एंड नाउ द टाइम इज 10 o'clock, एंड चलिए उसके साथ ये मदर्स डे व्लॉग को भी एंड करते हैं। अभी मुझे सिद को नीचे लेके जाना है बिकॉज सिद ने पूप कर दिया एंड घर में बहुत स्मेल कर रहा है। तो मे बी आई टेक हिम, लाइक मे बी आई टेक हिम डाउन एंड यू नो फिर मैं इसको शावर ही दे दूंगी। जब ये पूप करता है, मैंने देखा है ना, बच्चों को शावर देना ही अच्छा है, लाइक अगर सुबह सुबह करे तो। तो चलिए इसको मैं शावर दे दूंगी। एंड कल, एक्चुअली कल ना, अभी यहाँ पे क्या होता है, शाम थोड़ा लेट होता है ना, रात यू नो अचानक 8 o'clock ना, इट विल बी नाइट। तो कल हम लोग को एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था, जब हम लोग घर आए देन इट वाज अराउंड 7:45 एंड उसके बाद यू नो सिद का खाना खिलाना, देन फिर ऑल द रिमेनिंग का स्टोरी हो और आप सबको क्या बताओ। पर हासी दिस इज सो, बहुत खूबसूरत है ना, कौन ऐसा देख के सोचेगा कि ये कोस्टर है। एक्चुअली राय ने ना ये इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी ने बनाया था। हाँ तो चलो, मेरा मदर्स डे अच्छा ही गया अभी लगता है ना। माई फॉर मी ना, ए गुड डे इज जब पीसफुल हो, एंड सैटरडे संडे, संडे स्पेशली यू नो शॉमिक सिद को देखते हैं ना तो ईजी होता है खाना बनाना एंड ऑल दैट। आज जैसे कि खाना ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं है। सिद अगर सोएगा, मैं सोच रही हूँ राय के लिए आई मेक लिटिल बिट ऑफ नूडल्स फॉर हर। तो चलो विद दिस लवली वेदर आई विल एंड दिस वीडियो, एंड हमें उम्मीद करती हूँ कि आप सबने भी मदर्स डे पे एंजॉय किया। यू नो सभी का अपना अपना स्टाइल का मदर्स डे, ऐसा नहीं है कि हर वक्त यू नो यू नीड वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट या आपको बाहर जाके ही खाना है। जिसमें शांति लगे वही करना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे कोशिश करूँगी कल मिलने, एंड टिल देन बाय बाय।